अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मक्के में आके ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून होती है, लेकिन आज साहबजादी की वजह से हमारी गुड मॉर्निंग हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में कुर्बानी के लिए जानवर आ चुका है। और फिर लड़कों की तो यही ईद होती है, फौरन आते इसको घुमाना फिराना। ये मेरा भाई इसको बाहर गली में घुमा रहे हैं और ये भी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम ले रहा है। आते भी परेशान भी, इधर उधर देख रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ। इसने हर चीज़ को सूंघा है, हर चीज़ को। और ये एक अनोखा बकरा हमें मिला जो पत्ते नहीं खा रहा था। हमारे भाई जो पौधे लगे थे उनको बिल्कुल नहीं खाया इसने, जिस पर मेरा भाई भी बड़ा हैरान हुआ कि अरे भैया तो पहला बकरा है जो कि पौधे नहीं खा रहा है, वरना हमारे पास ऑलमोस्ट जो भी बकरे आते थे हमारे सारे प्लांट खा जाते थे, लेकिन ये एक अनोखा बकरा था। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा था, बहुत मासूम सा शरीफ सा बकरा है ये। बस इस तरह से अपनी गर्दन इतनी मूव कर रहा था क्योंकि आई थिंक सो हमें फ़ील हो रहा था कि इसको जिसने भी पाला है उसने इसको बांधा नहीं होगा, क्योंकि ये मुस्तकिल अपनी गर्दन ऐसे मूव कर रहा है और ये अब तक इसकी गर्दन मूव ही करते रहता है, घुमाता रहता है ये कि इसकी गर्दन से ये निकल जाए। और इसने जिस दिन ये आया था उस दिन शाम में इसने अपनी गर्दन से ये रस्सी निकाल भी ली थी घुमा घुमा के, पता नहीं क्या क्या कर करके। और फिर हमारे घर में एक शोर हो गया था कि बकरा खुल गया, बकरा खुल गया, बकरा खुल गया। हालांकि मासूम सा छोटा सा बकरा था ये। वैसे तो बकरे होते ही सब छोटे ही हैं एज़ कम्पेयर टू गाय, लेकिन जिसने भी इसको पाला है बहुत प्यार से पाला है। ऑलमोस्ट आई थिंक उसके पास आदमी के पास 24 घंटे चिपक के ही बैठा होगा, क्योंकि हम जब भी रूम से बाहर आते हैं सहन में आते हैं तो ये आके फौरन हमारे पास आके चिपकने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल करीब हो कि क्लोज खड़ा हो जाता है। बकरे के आते इसके स्लोमो वीडियोज़ पिक्चर्स और इसके घर में रहने की जगह भी बनाना स्टार्ट कर दी थी हमने, बहुत पिक्चर्स दी वीडियोज़ बनाई। और ये एक्साइटमेंट ही अलग होती है कि जानवर कुर्बानी के लिए घर में आए, चाहे वो गाय हो या बकरा हो, खुशी का लेवल अलग ही होता है। बस फिर उसको खिलाना पिलाना, उसकी सफाई करना, यही सब काम लगे हुए हैं और बकरे तक लगे रहेंगे। ये है जी मेरे सबसे छोटे भाई जो उसको खाना खिला रहा है फ़िलहाल, और ये खाने रहा तो उसको बोल के खिला रहा है कि भाई खाओ। बकरे साहब के लिए जगह रेडी हो चुकी है, ऊपर शेड भी लगा दिया है कि धूप ना आए, क्योंकि हमारे सहन ओपन है। और नीचे इसकी जगह रेडी हो चुकी है और यहाँ इसके लिए चारा लटका दिया कि जब इसको भूख लगे, जब दिल चाहे ये खा ले साहबजादे। बस भाई एक मेहमान घर आया है और फिर सफाई के काम डबल ट्रिपल हो चुके हैं, हर वक्त फैला पड़ा है। और अब हो गई है नीनो टाइम। बहुत ही मुश्किल से ये बैठ रहा था, सो रहा था, क्योंकि बस इसको हर वक्त कोई सामने चाहिए और इसके पास होना चाहिए, इसके पास बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ होना चाहिए। और फिर बकरे से थोड़े से स्टंट्स करवाया, ये स्लिप बहुत हो रहा था, पता नहीं कि उसके खुर सही नहीं है क्या है कि ऑटोमेटिक खुद ही स्लिप बहुत हो रही है। और फिर हमने खूब इंजॉय कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ इंजॉय कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करेगा और बाकी सब मुसलमानों की भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।